नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा कि क्या आपका बच्चा 8 महीने का हो चुका है लेकिन बैठ नहीं पा रहा है, क्या आपका बच्चा 1 साल का हो चुका है लेकिन खड़ा नहीं हो पा रहा है, क्या आपका बच्चा 1.5 साल का हो चुका है लेकिन अभी तक चल नहीं पा रहा है, क्या आपका बच्चा बोल नहीं पा रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स कई बच्चों के साथ होती हैं और कई पेरेंट्स इसको नॉर्मल में ले लेते हैं। होता क्या है कि जब बच्चे थोड़ा सा लेट चलना शुरू करते हैं, लेट बैठना शुरू करते हैं, तो उनके जो पड़ोसी होते हैं या घर में जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि अरे ये तो नॉर्मल है, कुछ बच्चे थोड़ा सा लेट चलते ही हैं, लेट बोलते ही हैं। और उस नॉर्मल में हम उस बच्चे का समय बर्बाद करते जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं कराते, उसका इलाज नहीं कराते और ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होने के कारण वो सारी चीजें डिले होती जाती हैं। तो क्या आपको ऐसा करना चाहिए, आज मैं इस बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कि यदि आपका बच्चा जो टाइम पर माइलस्टोन्स होते हैं कि 6 महीने 6 से 8 महीने में बच्चा बैठना शुरू कर देता है, 9 महीने में बच्चा क्रॉलिंग शुरू कर देता है, 1 साल का बच्चा अच्छे से खड़ा होने लगता है और 1 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं वो चलना शुरू कर देते हैं, अगर इस समय पर आपके बच्चे के अंदर ये सारी चीजें नहीं आई हो, बोलना नहीं आया हो, तो फिर आपको कंसल्ट करने की जरूरत है। इस चीज में आप लेट बिल्कुल मत करिए। इसके साथ दोस्तों आप एक चीज का ध्यान रखिए कि यदि आपका बच्चा पैदा होते समय या डिलीवरी के समय आपको कोई प्रॉब्लम रही है, या जन्म के समय बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई हो, बच्चे का वजन कम था या बच्चे समय से पहले पैदा हो गया, बच्चे को जन्म के समय पीलिया हुआ था या बच्चे को जन्म के समय झटके आए थे या बच्चे को जन्म के समय सांस लेने में कोई तकलीफ हुई थी जिसे हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कहते हैं, कुछ भी ऐसी एबनॉर्मल हिस्ट्री हुई थी कि जिससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई थी या बहुत तेज बच्चे को बुखार आया था, तो अगर साथ में ये सारी हिस्ट्री भी है तब तो फिर हमें बिल्कुल सोचना चाहिए कि आपके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी नाम की बीमारी हो सकती है जिसे हम सीपी कहते हैं, फिर आपको लेट बिल्कुल नहीं करना है। अगर ये सारे लक्षणों के साथ में ये पूरी हिस्ट्री आपको मिल रही है कि जन्म के समय बच्चे के साथ कुछ एबनॉर्मल हिस्ट्री है, तो फिर आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए, क्योंकि इन सब कारणों के कारण जन्म के समय बच्चे का जो ब्रेन होता है वो डैमेज हो जाता है, दिमाग डैमेज होने के कारण बच्चे का दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाता और ये सारी चीजें बच्चे को लेट लेट आती है, मतलब उसका डेवलपमेंटल डिले होता है बच्चे का, जिसे हम ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले कहते हैं या उसे हम सेरिब्रल पाल्सी कहते हैं। तो दोस्तों ये जो सेरिब्रल पाल्सी नाम की बीमारी है या जिसे हम सीपी कहते हैं, इसको दिखाने के लिए जब आप जाते हैं और डॉक्टर उसके लिए एमआरआई या सीटी स्कैन करवाते हैं तो वो आपको बोलते हैं कि इसके ब्रेन में डिफेक्ट हो गया है, ब्रेन में प्रॉब्लम होने के कारण ये बच्चा सारी चीजें इसको लेट लेट आएंगी, और वो आपको सिंपल एक कैल्शियम का टॉनिक दे देते हैं, एक मल्टीविटामिन दे देते हैं और एक विटामिन डी का ड्रॉप दे देते हैं और आपसे बोलते हैं कि आप जाइए और इसकी फिजियोथेरेपी करवाइए, केवल इसका इलाज फिजियोथेरेपी है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपकी जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि सेरिब्रल पाल्सी नाम की जो ये बीमारी है इसमें केवल फिजियोथेरेपी से कुछ नहीं होगा, फिजियोथेरेपी के साथ साथ आप आयुर्वेद में बताई हुई पंचकर्म थेरेपी का भी प्रयोग बच्चे में करिए और उससे आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, बच्चे के जो माइलस्टोन है वो फास्ट हो जाएंगे। दोस्तों इसमें आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट है वो क्या होता है कि चूंकि ये सेरिब्रल पाल्सी नाम की बीमारी ब्रेन डैमेज होने के कारण हुई है, सेरिब्रल पाल्सी में सेरिब्रम जो ब्रेन का एक हिस्सा होता है वो डैमेज हो जाता है, उसके डैमेज होने के कारण ये सारी चीजें लेट लेट आती है, क्योंकि उस सेरिब्रम का काम होता है बच्चे की मोटर एक्टिविटी करना, बच्चे को बैठना चलना दौड़ना फिरना ये सारी चीजें जो होती है वो सेरिब्रम से होती है, और इसमें चूंकि सेरिब्रम डैमेज हो गया है इसलिए ये सारी चीजें बच्चे के अंदर लेट आती है। तो आयुर्वेद जो सेरिब्रल पाल्सी के ऊपर काम करता है वो एक मल्टी अप्रोच थेरेपी होती है, जिसमें कि कुछ दवाइयां दी जाती हैं, उन दवाइयों के द्वारा बच्चे के ब्रेन को डेवलप किया जाता है, बच्चे के ब्रेन में जो डैमेज हुआ है इसको रिपेयर किया जाता है, जिसे हम आयुर्वेद में मैद्य रसायन कहते हैं, वो मैद्य रसायन बच्चों को दिए जाते हैं जिससे कि बच्चे का ब्रेन जो डैमेज हुआ है वो धीरे 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 काम करना शुरू करे, और जब ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो सीधी सी बात है कि ये जो सारी चीजें लेट लेट आ रही है ये सब चीजें जल्दी जल्दी समय पर आने लगेगी। तो मैद्य रसायनों का हम प्रयोग इसमें बच्चे में करते हैं। तो ये है हमारी औषधियां, औषधियों में मैद्य रसायनों के साथ साथ हम कुछ दवाइयां भी देते हैं जिससे कि जिसे हम सेरिब्रल पाल्सी को हम वात व्याधि में मानते हैं, तो वहां पर हम वात व्याधि के शमन के लिए कुछ औषधियां और प्रयोग करते हैं।
अब आता हूं मैं पंचकर्म थेरेपी का, इसमें बहुत अच्छा रोल है। आप जहां भी हैं, जहां भी रहते हैं, आप पंचकर्म थेरेपी अपने बच्चे को जरूर कराइए। और यदि आपके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है तो आप आयुर्वेदिक शिशु एवं बाल्य रोग विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं, क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी के कई बच्चे मेरे पास आते हैं और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं, काफी इंप्रूवमेंट्स बच्चे को होता है। तो इसमें जो पंचकर्म थेरेपी होता है, पंचकर्म में हम क्या करते हैं, बच्चे को फिजिकली इम्प्रूव करते हैं। अब कई लोगों के मन में एक जो है डाउट घर कर जाता है कि आप तेल की मालिश करते हो, तेल की मालिश से टाइटनेस और बढ़ती है। तो दोस्तों आप ये आपके मन में एक शंका पैदा कर दी गई है, केवल तेल की मालिश आयुर्वेद में बिल्कुल नहीं की जाती है, तेल की मालिश के साथ नहीं की जाती है, उसको सस्टिक शाली पिंड शोधन इसमें सेरिब्रल पाल्सी में बहुत इफेक्टिव होता है, वो बच्चों में किया जाता है, वस्ती बच्चों को दी जाती है, स्वेदन किया जाता है, नाड़ी स्वेदन किया जाता है। तो आपके मन में जो ये घर कर गया ना, ये जो कर दिया गया है कि आयुर्वेद में तेल की मालिश की जाती है, तो ऐसे बच्चों को तेल की मालिश करने से टाइटनेस और बढ़ जाएगी, इसलिए आयुर्वेद में मत दिखाओ, तो ये बिल्कुल रॉन्ग फैक्ट है। तेल की मालिश नहीं की जाती है, उसके साथ कई सारी थेरेपीज होती है, जब वो थेरेपियों का कॉम्बिनेशन होता है उससे बच्चे को आराम मिलता है। इसलिए आप यदि आपके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है तो आयुर्वेद में बताई हुई पंचकर्म थेरेपी का प्रयोग आप जरूर करवाएं, तभी बच्चों को रिजल्ट मिलेगा। आप बहुत सालों तक, कई समय तक केवल फिजियोथेरेपी करवाते रहते हैं और बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक कोई रिजल्ट आपको देखने को मिलते नहीं है, तो आप उसके साथ एक काम करिए, फिजियोथेरेपी आप करवा रहे हैं, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं उस चीज के लिए, आप करवाइए, क्योंकि ये फिजियोथेरेपी क्या एक्सरसाइज है, आप करवाइए, आप एक्सरसाइज करवाइए, आप उनसे सीख लीजिए, आप घर में भी एक्सरसाइज करवाइए, क्योंकि जितना आप एक्सरसाइज कराएंगे उतना बच्चे के लिए अच्छा होगा। क्योंकि जैसे आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मशीन है और वो रखी हुई है, आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, मशीन जाम हो जाएगी। इसी तरह से यदि आप बच्चे को, वो बच्चा चूंकि बैठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, तो उसके अंगों में क्रिया नहीं है, वो बैठा हुआ है कंटिन्यू, तो क्या होगा, यदि आप उसको एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, पंचकर्म नहीं कराएंगे, तो उसका मूवमेंट्स नहीं होगा, तो वो सब चीजें जाम हो जाएंगी। इसलिए एक्सरसाइज आप कराते रहिए, फिजियोथेरेपी भी आप करवाते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज है पंचकर्म थेरेपी प्लस आयुर्वेद की औषधियां, ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन जब फिजियोथेरेपी के साथ होगा तो आपके बच्चे को बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसलिए दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखें कि देखिए, एक चीज और आप अच्छे से समझ लीजिए कि यदि सेरेब्रल पाल्सी है तो आप जितना अर्ली एज से आप आयुर्वेद में ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा हम रिकवर बच्चे को कर सकते हैं, क्योंकि आपका बच्चा अभी छोटा है तो उसका ब्रेन अभी डेवलपिंग कंडीशन में है, तो हम उसमें काफी जितना चेंजेस हैं उतना कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका बच्चा बड़ा हो गया है और बड़े होने के बाद आप सीपी के बच्चे को हमारे पास लेके आते हो, जब सब तरफ से घूमने के बाद, तो फिर हम ज्यादा कुछ उसमें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने बच्चा बड़ा हो गया। कोशिश हम पूरी करेंगे और इम्प्रूवमेंट भी होगा, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट जितना आप अर्ली एज में उसको लेके आओगे बच्चे को, उतना ज्यादा से ज्यादा रिकवरी होती है, क्योंकि ब्रेन डेवलपिंग कंडीशन में होता है, तो जो हम आयुर्वेद की दवाइयां देते हैं, जो पंचकर्म थेरेपी करते हैं, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखिए और समय को वेस्ट ना करते हुए आप जरूर आयुर्वेदिक शिशु एवं बाल्य रोग विशेषज्ञ को दिखाइए, पंचकर्म कराइए, और कुछ ब्रेन से रिलेटेड जो आयुर्वेद में औषधियां हैं ये भी दोस्तों सुन लीजिए कि जो ब्रेन की जो दवाइयां हैं, मेद्य रसायन है, वो केवल आयुर्वेद के पास है, जिससे कि ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। कई सारी औषधियों के नाम तो आपने सुने भी होंगे और जो फ्रिक्वेंटली यूज की जाती है, कई सारी चीजों के दवाइयों के आपने नाम सुने होंगे, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, वचा, ज्योतिषमति, कई सारी औषधियां हैं, एक औषधि नहीं, स्वर्ण प्राशन, अनेक औषधियां हैं जो बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट में सहायक होती है। तो उसको बच्चे की उम्र के अनुसार, उसकी कंडीशन को देखते हुए, उसके वजन के अनुसार क्या कॉम्बिनेशन उसमें बनाना है, उस तरह से बच्चे को जब वो दिया जाता है तो बच्चे के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। जय आयुर्वेद।